नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज मैं आपको एक फ्रॉक का डिज़ाइन बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। ये पिंक कलर का है, ये आगे का हिस्सा है इसका और ये हमारा इसका पीछे का। इसमें मैं बटन पट्टी लगाऊंगी, बटन पट्टी बनी हुई है, इसमें बटन लगाऊंगी मैं। एक बटन यहाँ पर लगाऊंगी, एक यहाँ पे लगाऊंगी, एक यहाँ पे लगाऊंगा और एक यहाँ पे, तीन बटन लगाऊंगी मैं इसमें। तो शुरू करते हैं इसका डिज़ाइन। ये देखिए, इसे मैंने साइड से शुरुआत की है ताकि ये सामने को जब हम जॉइंट करते हैं तो वो बुरा ना लगे, इसलिए मैंने इसे साइड से जोड़ना शुरू कर दिया। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम इससे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से चार चेन लेंगे और फिर हम इसी में जहाँ हमने चेन लिए उसी में हमें डबल क्रोशा करना है। ये देखिए, इस तरीके से दो को स्किप कर देंगे हम, एक दो, इन दोनों को हम स्किप कर देंगे और तीसरे में हमें से डबल क्रोशा। ये देखिए, डबल क्रोशिया करेंगे, दो चैन लेंगे, दो चैन के बाद इसी में हमें डबल क्रोशिया करना है। देख रहे हैं आप, इसी में हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर हमें यही करना है, दो को स्किप करना है, तीसरे में हमें से डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, दो चैन लेनी है और इसी में हमें इसे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए, इस तरीके से ये बनेंगे। ये पूरी कंप्लीट रॉ इसकी ऐसे ही होगी। दो को स्किप करना है, तीसरे में हमें इसे डबल क्रोशिया करना है, दो चैन लेनी है और इसी में हमें फिर डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इसी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारे रो कंप्लीट हो गया। देखिए, अब हम ये यहाँ पे हमारे जॉइंट करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से कि ये जो हमारे है इसके इधर ऐसे लेके और इसको वापस ऐसे हम इसे जॉइंट कर देंगे। यहाँ फिर हम तीन चेन लेंगे, सॉरी चार चेन लेंगे और इसी में हमें दोबारा डबल क्रोशिया करना है। देखिए, इस तरीके से हमारे ये ऐसे बनेगा। हर किसी में हमें अभी जैसे हमने पहले करा था, डबल क्रोशिया, दो चैन और डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, दो चैन, डबल क्रोशिया। ये देखिए, इस तरीके से इस लाइन को भी हमें कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, इसे हमें घेरा बनाना है तो हम ये जैसे हम इधर कर रहे हैं, ये देखिए, जैसे हम इधर ये डबल क्रोशिया कर दिया हमने, ये बना दिया। देखिए, तो इसको हम घेर को बढ़ाना भी है हमें, तो ये जो हमारे इन दोनों के बीच में है इसमें भी हम यही चीज़ कहीं कहीं पर बनाते जाएंगे ताकि हमारा घेर बन सके। ये देखिए, इस तरीके से जो इसके बीच में है ये, इसमें हम बनाएंगे कहीं कहीं ताकि हमारा घेर बन सके। हमें ये फैलाना है घेर, तो इस वजह से हमें ऐसे ही करके चलते जाना पड़ेगा। अब हम जैसे अब हमने हमने यहाँ पर लिया है तो अभी हम इतना
इतना बनाने के बाद एक और ले लेंगे आगे, फिर उसके आगे इतना इतना बनाने के बाद एक एक और बढ़ाते जाएंगे ताकि हमारा घेर सही से आ जाए, खुला बने। इसे मैं पूरा, ये देखिए गाइस, ये हमारे कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हम, इसे कैसे स्लिप स्टिच करना है देखिए, इधर से इसको ऐसे ही स्लिप स्टिच कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। सॉरी गाइस, ये देखिए इसी में इसको हमें डबल क्रोशिया करना है, तब स्लिप स्टिच कर देना है इसको ऐसे। सॉरी, ये ऐसे बनेगी, देखिए दो लाइन हमारी ऐसे कंप्लीट हो गई है। अब इससे मैं आपको डिज़ाइन कैसे डलेगा यहाँ से तब बताती हूँ। ये देखिए तीन चेन लेंगे और इसी में हमें डबल क्रोशिया 7 बार करना है। ये 3 हो चुके हैं हमारे, 1, 2 और ये 3, देखिए 3 हो चुके हैं, 4, 5, 6, 7 और ये 8, देखिए ये 8 हमने कंप्लीट कर दिए हैं। इसको अब हम इसके बराबर वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे इसको ऐसे, ये देखिए। अब जो दूसरा है इसमें हमें बनाना है इसको, फिर वही 8 डबल क्रोशिया करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, फिर हमें इसे इस बराबर वाले में स्लिप स्टिच कर देना है, ये देखिए इस तरीके से। और ये रो हमारी इसी तरीके से कंप्लीट होगी। देखिए गाइस, ये रो अभी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए। अब यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच करेंगे, पहले इससे हम इससे, देखिए यहाँ पर भी हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे और इधर भी, ये इसमें हमें 1, 2 को छोड़ के ये तीसरे में हमें इसे स्लिप स्टिच कर दें। ये देखिए स्लिप स्टिच हो गया। अब हम इसे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे हो जाएगा। अब हम इसे पलटेंगे, ये देखिए इस तरीके से पलट लेंगे। और हम जो हमारे, ये तो हमारे इधर से आ रहा था ना, अब हम इसे पलटेंगे तो हमारे को इधर जाना है, तो इसे हम इससे स्लिप स्टिच कर देंगे, ये देखिए इस बीच के इससे हम इसे स्लिप स्टिच कर दिया है। अब हम इधर स्लिप स्टिच करेंगे, देखिए इधर भी हम दोबारा स्लिप स्टिच करेंगे, 1, 2, 3 और ये 4, हमने 4 चेन ले ली है। अब हम इसे ये जो बराबर वाले में है इसमें डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए डबल क्रोशिया, 1 चेन लेंगे फिर जो बराबर में है इसको डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे बराबर में इसे डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन लेंगे बराबर में जितने भी हैं ये खाने उन सब में हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे, जालियाँ जितनी, 1 चेन लेंगे, ये देखिए इस तरीके से ऐसे 1 चेन लेंगे, फिर ये इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से सब में हमें एक एक चेन लेके ऐसे बनाना है उल्टे की तरफ से। इधर हम एक चेन लेंगे, अब हमें ये देखिए इधर नहीं डालने हैं, हमें इस वाले में इसको डबल क्रोशिया करना है, इस इसमें 1 चेन लेने के बाद डबल क्रोशिया कर देना है, फिर 1 चेन लेंगे फिर हम इसे डबल क्रोशिया करेंगे, देखिए 1 चेन ली डबल क्रोशिया, 1 चेन ली डबल क्रोशिया, 1 चेन ली
डबल क्रोशिया, एक चेन ली डबल क्रोशिया, देखिए एक चेन ली और ये डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमें ये सारी रो कंप्लीट करनी है। देखिए दिख रहा है आपको, इस तरीके से ये रो को हमें कंप्लीट करना है। देखिए गाइस, ये रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, अब हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे। एक दो तीन ये छोड़ के हम चौथे में से, सॉरी हाँ ये देखिए, इसको हम इससे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ ये देखिए, इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और इसे हम ऐसे पलट लेंगे। देखिए अब हमने सीधे की तरफ से, पहले हमने ऐसे बनाया था ये, अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसे यहाँ पर, ये देखिए इस जो ये बीच की जगह है, इसमें इसे स्लिप स्टिच कर देंगे एक बार इस तरीके से, और एक बार इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए दो बार करेंगे स्लिप स्टिच, एक बार इसमें और एक बार इसमें। फिर हम एक दो तीन चेन ले ली, दूसरे वाले में हम इसे देखिए इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन, देखिए इस तरीके से। फिर दूसरे वाले में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन, दूसरे वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन, इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हम यहाँ पर इसको बिगर चेन लिए, इधर स्लिप स्टिच कर देंगे। एक बार स्लिप स्टिच कर दिया हमने, अब ये हम दो बार स्लिप स्टिच हो गई हमारा। ये देखिए दो बार हो गया। फिर एक दो तीन, दूसरे वाले में स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए इसमें हमने लेके तीन चेन बनाई, फिर दूसरे वाले में स्लिप स्टिच कर दिया। अब एक दो तीन चेन ले ली और दूसरे वाले में इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन, और ये स्लिप स्टिच कर दिया। एक दो तीन, ये बहुत आसान डिज़ाइन है लेकिन अच्छा भी लगता है, डिज़ाइन बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके से फिर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे और दोबारा हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पत्ती तैयार होगी, ये फूल हमारा ऐसे बनेगा। सारी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये देखिए गाइस, ये रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे एक दो तीन, देखिए इसको ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन, इससे स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसे इस यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इसको, इससे हम इसे जॉइंट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इसको हमने पक्का कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी एक कली की लाइन बन चुकी है। अब दूसरी कली कैसे बनानी है, दूसरी कली किस तरीके से बनेगी वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये देखिए
दूसरी रॉ मैं कैसे कंप्लीट करनी है, ये दूसरा, अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे डिज़ाइन को वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए जो मैंने कटिंग करी है उसके, देखिए ये जो हमने ये वी शेप कर लिया था उसी के बीच में, इस वाले को छोड़ के इसमें, ये देखिए इसमें ऐसे इसे स्लिप स्टिच कर देना है, ऐसे स्लिप स्टिच करके एक दो तीन चार, और ये दोबारा भी इसी में, ये देख रहे हैं आप, ये दोबारा भी इसी चीज़ में हमें इसको स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए ये जो है इसमें हमें, ये जो हमारी चीज़ है, सॉरी ये जो है इसके बीच में हमें, ये देखिए इसके बीच में हमें सब में ये बनाने हैं, इसके बीच में ये जो है, और वो भी इधर उल्टी की तरफ से, देखिए दूसरा ये हो गया, वैसे ही बनाना है जैसे पहले हमने करा था, सॉरी दो चेन और डबल क्रोशिया, ये देखिए डबल क्रोशिया, दो चेन और डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से ये नीचे आएगा हमारा डिज़ाइन, ये इसको नीचे ऐसे ही हमें चार लेन बनाने होंगे, मैं अभी आपको एक ही एक एक करके बताऊंगी। देखिए जैसे हमने ऊपर करा था वैसे ही हमें इसे कंप्लीट करते हुए जाना है। इस तरीके से मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस ये रॉ भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम इसे इस तरीके से जैसे पहले हमने ज्वाइन करा था ऐसे ही, ये देखिए इसके हम ऐसे लेके इसको हमने पहले जैसे ज्वाइन करा था ऐसे ही हमें इसे भी ज्वाइन करना है। फिर तीन चेन लेनी है, सॉरी चार चेन लेनी है, चार चेन लेने के बाद हमें इसी में दोबारा, ये देखिए इसी में दोबारा फिर ये डबल क्रोशिया करना है, सब में ऐसे ही हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। देखिए इस तरीके से सब खानों में हमें, सब डिब्बियों में हमें, देखिए सब जगह ये डालते हुए जाना है। इस तरीके से हमें एक दो तीन चार, चार लाइन बनानी है इस तरीके से। पहले हमें चार लाइन बनाने के बाद फिर हमें ये डिज़ाइन यहाँ से शुरू करना होगा। तो मैं आपको ये चार लाइन करके बताती हूँ कि ये कैसे करी जाएंगी। और हाँ जैसे हमने पहले इस लाइन में दूसरी लाइन में कहीं कहीं बढ़ाए थे एक एक, तो इस लाइन के बाद जो तीसरी लाइन आएगी उसमें हम कहीं कहीं एक एक को बढ़ा कर रख देंगे ताकि ये थोड़ा घेरा है, इसलिए तीसरी लाइन में हम इसे बढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये पूरी कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस ये रो अभी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए ये देखिए इस तरीके से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर हमें तीन चार चेन लेनी है और इसी में हमें स्लिप स्टिच करना है। देखिए सब में हमें ये डबल क्रोशिया, दो चेन लेनी है, डबल क्रोशिया दो चेन लेनी है, डबल क्रोशिया दो चेन लेनी है। ये देखिए इस तरीके से ये तीसरी लाइन चल रही है मेरी, इसकी चौथी लाइन मैं बनाऊंगी। लेकिन इसमें मैं कहीं कहीं, ये देखिए जैसे इधर एक मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए, तो इस पूरे घेरे में मैं बस चार जगह बढ़ाऊंगी। एक मैंने ये बढ़ा दिया है, एक मैं इधर और एक इधर और एक इधर, ये चार जगह हम मैं एक एक को बढ़ा दूंगी बस। और ये लाइन को पूरी ऐसे ही चल, ऐसे ही बनाते हुए हमें जाना है। चौथी लाइन में हमें कोई नहीं बढ़ाना, हम चौथी लाइन को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। देखिए गाइज ये मेरा कंप्लीट हो चुका है।
चार लाइन, ये देखिए इसमें मैंने ये लास्ट बनाने के बाद दो चैन और ये चीज़ ये डबल क्रोशिया और इससे स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखिए मेरी चार लाइन पूरी हो चुकी है कि एक दो तीन चार, चार लाइन मेरी पूरी हो गई है कंप्लीट। अब हम जैसे यहाँ पर हमने ये पहली लाइन ये वाली बनाई थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये, तो अब पहली लाइन ये वाली लाइन हम शुरू करेंगे इसकी। तो तीन चैन लेंगे इसमें, डबल क्रोशा करेंगे सात बार, चार पाँच छः सात और ये आठ, देखिए आठ हो चुकी है हमारी लाइन और इससे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये देखिए वही चीज दोबारा करनी है हमें, इसी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये फ्लावर दिखेगा, ये देखिए इस तरीके से ये पूरा डिज़ाइन आएगा। इसके नीचे डिज़ाइन ये देखिए, अब इस पर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे, ये पूरा ऐसे ही आएगा। इसके बाद जब पूरा ये डिज़ाइन हो जाएगा तो फिर हम कट कर देंगे, ऐसे ही करते जाना है हमें, पूरी रॉ करके हमें इसे कट करते जाना है। मैं आपको करके बताती हूँ ये तीनों लाइन, फिर मैं आपको बताऊँगा। देखिए गाइस ये रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है, ये देखिए ये देखिए इसको हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके और इसे जॉइंट कर देंगे। ये देखिए इसको हम स्लिप स्टिच कर देंगे, इस तरीके से ये रॉ मेरी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे ऐसे पलट लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर हम इसे स्लिप स्टिच करेंगे, ये देखिए इस तरीके से ये स्लिप स्टिच करते हैं और दूसरा स्लिप स्टिच हम स्लिप स्टिच इधर करेंगे। ये देखिए यहाँ पर स्लिप स्टिच करने पे तीन चैन लेंगे, सॉरी चार चैन लेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे, वही जो हमने यहाँ पर बनाया था इस लाइन में, ये दूसरी लाइन इसकी, इसको हमने बनाया था एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया। अब ये हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा, ये देखिए इस तरीके से डबल क्रोशिया एक चैन डबल क्रोशिया एक चैन डबल क्रो चेन सॉरी चेन डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया चेन डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमें वही दोबारा ये देखिए एक चेन लेके और इसमें डबल क्रोशिया करना है हमें, इनमें नहीं करना है इसमें करना है। तो ये डबल क्रोशिया हमारा ऐसे एक चेन डबल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया एक चेन डबल क्रोशिया
एक चेन, डबल क्रोशे। इस तरीके से ही ये कंप्लीट हमारी लाइन हो गई। देखिए इस तरीके से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए गाइस, ये भी मेरी लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसको मैं इससे स्लिप स्टिच कर दूंगी। ये देखिए देखिए, अब इसे हम पलट देंगे। इस तरीके से पलटने के बाद हम इसे इससे ये देखिए इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर हम दोबारा इसमें ये जो है इसके बराबर में इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए और एक दो तीन दूसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। इसको तीन चेन बनाने के बाद एक दो तीन दूसरे में स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए जिस तरीके से ये वाली लाइन बनाई थी, ये अब लास्ट की ये वाली बनानी है। इसके बाद हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए हमने पहले कट कर रखे ना, तो इस लाइन को बनाने के बाद हमें इसको कट कर देना। ये देखिए एक दो तीन, एक दो तीन, ये देखिए। और इधर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए जिसमें हमने स्लिप स्टिच करा था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करा था, सॉरी यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करा था। देखिए अब हम इधर स्लिप स्टिच कर देंगे इसको। एक स्लिप स्टिच करेंगे और ये दूसरे में इसमें करेंगे। ये देखिए ये स्लिप स्टिच हो गया, एक दो तीन। इसको ऐसे चेन करके बनाते जाएंगे। इसी तरीके से ये मेरी ऐसे ही कंप्लीट होता जाएगा। देखिए एक दो तीन, एक दो और तीन, एक दो तीन। ये देखिए इधर स्लिप स्टिच कर देंगे, इधर भी स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरीके से ये भी रो ऐसे ही कंप्लीट होगी। ये देखिए इस तरीके से ये आएगी हमारी। देखिए इस तरीके से ये घेर इस तरीके से ऐसे आएगा और इसको हम पूरा करने के बाद हम इसे कट कर देंगे। देखिए अभी इसमें ये चेन बनानी बाकी है, तो ये चेन बना देंगे तो हमारा फूल पूरा हो जाएगा। इस तरीके से ये ऐसे ही पूरी रो ये कंप्लीट होगी हमारी। देखिए मैं इसे आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये रो भी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए गाइस इसे मैं अब इधर स्लिप स्टिच कर दूँगी। ये देख सकते हैं आप, इसको मैं ऐसे स्लिप स्टिच कर दूँगी इसको इससे, और यहाँ से इसे कट कर दूँगी। देखिए गाइस इसको मैं हम कट कर देंगे यहाँ पे। ये देखिए और इस तरीके से अभी हम ये इसकी दो लाइन कंप्लीट हुई हैं। ये देखिए इसकी दो लाइन अभी कंप्लीट हुई हैं। इस तरीके से ही इसकी चार पांच लाइन मैं बनाऊंगी, वो सब मैं आपको इसका तीसरा पार्ट जो है उसमें बताऊंगी, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने ये बनाया है और दूसरे पार्ट में मैंने ये आपको बताया है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं तीसरे पार्ट में आपको इसके बाजू वाजू का बताऊंगी और नीचे घेर आगे का जब बढ़ जाएगा तब बताऊँगी। आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।